साउथ के सुपरस्टार प्रभास और अभिनेत्री कृति शैनन स्टारर फिल्म आदिपुरुष बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक हैं। हाल ही में फिल्म का टीजर जारी किया गया, जिसे देखने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ लोगों की नाराज़गी देखने को मिल रही है। दरअसल फिल्म के टीजर में दिखाए गए किरदारों और तथ्यों में हुए बदलाव से लोग काफ़ी नाराज़ हैं। ऐसे में फिल्म का टीजर आने के बाद से ही इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है आम लोगों को साथ। अब इस पर कई कलाकारों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। मशहूर पौराणिक धारावाहिक महाभारत के भीष्म पितामह के किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने जहां इस पर जमकर भड़ास निकाली, तो वही अब रामानंद सागर की रामायण में से सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दीपिका चिखलिया ने कहा है कि मैंने आदि पुरुष का बिल्कुल टीजर देखा है। मुझे लगता है कि रामायण की कहानी एक सच्चाई की कहानी है और इसे VFX से जोड़ना सही नहीं लगा। ये मेरे निजी विचार हैं। लोग कह रहे हैं कि फिल्म में हनुमान जी ने लेजर पहना है, लेकिन टीजर में मुझे कुछ साफ नज़र नहीं आया। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि वाल्मीकि जी और तुलसी जी ने जिस सच्चाई से रामायण को लिखा है उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि ये देश की धरोहर हैं। वही महाभारत फैम नीतीश भारद्वाज ने भी आदिपुरुष के टीजर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने आदिपुरुष फिल्म का टीजर देखा, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि किस तरह फिल्म मेकर्स मॉडर्न तकनीक की मदद से फिल्म को एक अलग और अच्छा विजन दे रहे हैं। हमारे साधुओं ने रामायण और महाभारत को लिखा है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मुझे टीजर पसंद आया, उम्मीद है कि हमारी जनता को भी ये फिल्म अच्छी लगेगी। मैं ओम राउत को बधाई देता हूँ, इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित हूँ। इससे पहले मुकेश खन्ना ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए काफ़ी नाराज़गी जताई थी। मुकेश खन्ना ने कहा था कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो विवाद खड़ा करना चाहते हैं। आज के समय में जब फिल्मों को बॉयकॉट हो रही हैं, तो आप फिर से लोगों से पंगा कैसे ले रहे हैं? आपने समझदारी क्या जेब में रख दी है? राम जी नाम राम दिख रहे हैं और न रावण रावण दिख रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो अपने धर्म के लिए भी ऐसा काम करिए। तो यहाँ पर कई अन्य कलाकारों की भी प्रतिक्रिया आ रही है आदिपुरुष के ट्रिजर को देखकर, लेकिन सबसे बड़ी प्रतिक्रिया ये है कि रामायण में सीता मैया का रोल निभाने वाली दीपिका जी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखी और VFX से जिस कहानी को जोड़ा जा रहा है वो उनको अच्छा नहीं लगा, उस पर भी उन्होंने चर्चा की। चलिए फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ और भी बड़ी अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।